अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भाई मेरे पास आए हैं और इन्होंने मुझे आके जिस जगह की इनविटेशन दी, आई रियली अप्रिशिएट इट। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि देखो, पाकिस्तान में इतने लोग इतना काम कर रहे हैं और हम उनको नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? हम ज़्यादातर मनफी ख़बरों को जानते हैं, हम ज़्यादातर उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम बहुत कम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि पाकिस्तान को फ़ायदा देते हैं, और वी कैन से द अनसंग हीरोज़ बेसिकली। वो शोबिज़ में तो मैं वर्ड बड़ा सुना करती थी, अनसंग हीरोज़ की आवाज़ बहुत अच्छी, एक्टिंग बहुत आती है, चांसेस नहीं मिले। बट रियल लाइफ के अंदर द रियल हीरोज़ आर दोज़ जो कि लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आए। इनको मैंने भाई इसलिए कहा कि ये 28 ईयर्स ओल्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। और ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने थैलेसीमिया, एक बीमारी है आप में से अक्सर को पता होगा, तो उसकी जो बच्चे हैं वो 10-11 साल तक यूजुअली दे डोंट लास्ट आफ्टर दैट। जी, यस। और आप कैसे 28 साल तक, हाउ वाज द जर्नी? ये मैं शुरू से बता दूँ, चार माह के मतलब बर्थडे के बाद, बर्थ था, चार माह की उम्र से थैलेसीमिया हुआ। उसके बाद से लेके अब तक ट्रीटमेंट अच्छा मिलने की वजह से मतलब माशाल्लाह 28 ईयर्स आ गई एज मेरी। और ना तो यही सुना हुआ था कि 10 साल 11 साल 12 साल। तो तुम्हें डर नहीं लगता था कि तुम्हें कुछ हो जाए? नहीं, डरना क्या, जाना तो है। ये तो है, ये तो सबने जाना। अच्छा, आज तुम मुझे इनविटेशन देने आए हो, वो काहे का देने आए हो? वो हम मैं आपको इनविटेशन इस चीज़ का देने आया हूँ कि ना सारियों थैलेसीमिया के लिए, एक थैलेसीमिया के बच्चों की खुशी के लिए एक ना इवेंट अरेंज कर रहा है। तो बस हम चाहते हैं कि आप उस इवेंट में आए और आके बच्चों को थोड़ा सा, बच्चों के साथ खुशी होगी, मिलूं, बातें करूं, कोई गेम्स करें। आई वुड लव टू डू दैट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं। सारियों जो ये बात कर रहे हैं वो एक एनजीओ है जो कि हाफिजाबाद से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर रही हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आर्मी ने उनको इनाम भी दिया इस बारे में, अवार्ड भी किया। और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग रियल हीरोज़ को ढूंढ कर अवार्ड करते हैं। माई ऑल द प्रेयर्स आर फॉर योर टीम एंड आई डेफिनेटली कम, मैं ज़रूर आऊँगी फोर्ट्रेस स्टेडियम में सैटरडे को। ओके, आई विल डेफिनेटली कम, और मैं कोशिश करूंगी आपको लाइव भी दिखाऊं बच्चों के साथ जो भी हम मस्ती मजाक करते हैं, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम प्रेजेंट्स फॉर देम, मैं उनके लिए कुछ तोहफे भी लाऊंगी इंशाल्लाह। सैटरडे को फोर्ट्रेस स्टेडियम में सारियों जो एनजीओ है उनके इवेंट के ऊपर राबी पिज़्ज़ा द फाउंडेशन की प्रेजेंस भी होगी इंशाल्लाह, और हम सब मिलकर उनके लिए दुआ भी करेंगे कि वो सब जो हैं वो इनकी तरह के फाइटर बच्चे बने और सब जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते खुद बनाएं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर।